बात करते हैं इंडेक्स की। आज इंडेक्स जो खुले अपना मैजिकल फिगर था 17,365 का, 17,365। पहले तो मैजिकल फिगर की डेफिनेशन बता दूं। मैजिकल फिगर्स हमारे ऐसे फिगर्स होते हैं जिसके ऊपर चलने पर बाजार होता है तेज, जिसके नीचे चलने पर बाजार होता है मंदा। बाजार खुले 30 पॉइंट ऊपर गए मैजिकल फिगर से टिमटिमाते हुए और वापस मैजिकल फिगर के इर्द गिर्द तो बहुत टाइम घूमा। 17,365 का मैजिकल फिगर था, इसके ऊपर चलता, रुकता, टिकता अग्रेसिवली, कंटिन्यूस उसको नहीं ब्रेक करता, ऊपर ऊपर चलता तो एक बार मान लिया जाता कि बाजार में सेल ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं था। 17,365-300 के आसपास घूमता रहा 300-365 घूमता रहा। उस तरीके का सीन हो रहा था। मुझे आज का बाजार देख के, अब बात तो है FII कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, तो वो एक मूवी थी ना DDLJ जिसमें शाहरुख खान अमरीश पुरी साहब के साथ कबूतरों को बुलाते हैं, आओ आओ आओ, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट FII को ऊपर के भाव में सेलिंग करने की बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है और इंडियन मार्केट स्वागत करता है ओपन मार्केट में कि आओ सेल करो, आओ सेल करो। तो यहां पर कबूतर हो गए FII और शाहरुख खान हो गए अपने DII, कह रहे हमारे हिंदुस्तानी सब शाहरुख खान ही है। तो इस तरह का बाजार था। बाजार अचानक से फिर वापस से मंदी का दौर पकड़ने लगा और फिर वहां से करीब करीब 300 पॉइंट डाउन, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, गजब, 395 का हाई, 17,095 का लो, क्लोजिंग 17,125 की। चलिए मैजिकल फिगर के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन और डेवलप हो सकती है। आज का सपोर्ट लेवल लिया था 17,140 का, 17,095 का लो पोस्ट किया है, 17,365 का रेजिस्टेंस लेवल था जो था हमारा मैजिकल फिगर, 17,395 का हाई, 17,125 की क्लोजिंग, 16,835 का पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 16,515। तकलीफ वाला तो काम हो रहा है। पहला रेजिस्टेंस 17,180, 17,285 और तीसरा रेजिस्टेंस होगा हमारा मैजिकल लेवल्स। ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना है बाजार में, बाजार संकेत दे रहा है। जो इन्वेस्टमेंट करके रखे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जितने भी इन्वेस्टमेंट बोले हैं, बोल रहा हूं, बोलता आ रहा हूं, यही कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म अवधि के हिसाब से पकड़ के रखिएगा। छोटे मोटे धचके आएंगे, उसको बाइंग की तरह कैपिटलाइज करिएगा। ओवरऑल ओवर ए लॉन्गर टाइम बाजार बुलिश है, लेकिन जब तक मैजिकल फिगर के ऊपर नहीं जाता, हमने इसकी बुलिशनेस की, बुल मार्केट की और बेरिश मार्केट की डेफिनेशन डिफाइन करी हुई है जो हमारा मैजिकल फिगर हमको बता देता है। तो मैजिकल फिगर के नीचे चलेगा बाजार होगा तो करेक्टिव फेज पे, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब करेक्शन कभी कभी सीवियर भी हो सकते हैं और कभी कभी छोटे मोटे भी हो सकते हैं। कभी कभी बरगलाने के लिए होंगे, अचानक से मैजिकल फिगर के ऊपर भाग जाएगा, थोड़ा टाइम के लिए नीचे आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा मैजिकल फिगर तक जाएगा फिर टूटेगा, मैजिकल फिगर तक जाएगा फिर टूटेगा, और फिर बहुत बढ़ना होगा तो उसके 4-8 दिन पहले बहुत जबरदस्त टूट जाएगा और फिर उसके बाद बढ़ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाता है। तो 16,515 का दूसरा सपोर्ट, तो अब आप लोगों को यह समझ गया सपोर्ट रेजिस्टेंस और जगह भी अच्छी खासी खुल गई 500-600 पॉइंट नीचे की निफ्टी की। बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल लिया था 17,565 का, आज का लो पोस्ट हुआ है, 37,565 का आज का लो पोस्ट हुआ है, 37,716 का रेजिस्टेंस लेवल लिया था, 38,620 का आज का हाई देखिएगा, 38,550 का क्लोज हुआ है 37,824 में। कल के लिए इसके सपोर्ट 37,410 और 37,070, पहला रेजिस्टेंस 38,085 और 38,615। बात करेंगे मैजिकल लेवल्स की। मैजिकल लेवल्स, क्या जबरदस्त ट्विस्ट हो रहा है बाजार में। मैजिकल फिगर था आज के लिए फरवरी वायदे का 17,365 का, अब वो मैजिकल फिगर हो चुका है 17,515 का। 17,515 के ऊपर जाएगा तो बुल की गाड़ी पकड़ लेगा, जब तक ये इसके नीचे चल रहा है तब तक चिंता का विषय है। अब चिंता कहां तक चिता जलाएगी, चिता नहीं जलाएगी बोलना चाहिए, यानी चिंता जगाएगी, चिंता नहीं चिंता जलाएगी, वो देखना होगा। तो तकलीफ वाला काम तो है। 17,515 के ऊपर चल गया तो मैं वापस से बुल मार्केट में बैठ जाऊंगा और बुल मार्केट की बात करने लगूंगा। बजट का इवेंट है, मुझे ऐसा लगता है बजट के दिन इस तरह का कुछ अनाप शनाप होगा
जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और जितनी वोलेटिलिटी अभी है, सपोज मान के चलिए 200-300 पॉइंट की वोलेटिलिटी अभी है, तो मुझे लगता है इससे 3-4 times ज्यादा वोलेटिलिटी उस दिन देखने को मिलेगी। अगर 3-4 times अगर हो गई तो हो सकता है 7-800 पॉइंट नीचे, 7-800 पॉइंट ऊपर, ऐसे करके 500 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट ऊपर, ऐसे 1000 पॉइंट की भी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा लीवरेज इस्तेमाल कम करिएगा, सतर्क रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं आएगा, लेकिन जाने की गुंजाइश कम हो जाएगी। बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के मैजिकल फिगर की। 37,400 का मैजिकल फिगर था, वो हो चुका है 37,750। तो अब आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, स्टॉक स्पेसिफिक की रणनीतियां पता है। मैं ये नहीं कहता हूं दावे के साथ कि बाजार में करेक्शन ट्रिगर हो ही सकता है, बस जब तक मैजिकल फिगर के नीचे है तब तक वो करेक्शन की एक्सपेक्टेशन आज की क्लोजिंग के बेसिस पे लग रही है। तो मैं बस प्रे करते हैं आप और मैं भी यही चाहता हूं कि बाजार बढ़े, सबकी वेल्थ बने, और जो DII ने, जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने, जो म्यूचुअल फंड्स ने, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया उनके पैसों में बढ़ोतरी हो, अल्टीमेटली इंडिया की GDP बढ़ेगी और इंडिया $5 trillion बनेगा। टाइम लग सकता है। तो अब इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पर भी आप लोग ऑप्शंस के ट्रेंड निकाल सकते हैं, चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक के हो, चाहे वो इंडेक्स के हो। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो जाते जाते प्यार मोहब्बत भरा लाइक का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो कहते हैं इस मार्केट से कोई पैसा नहीं बना सकता, या फिर जिन्होंने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई इस मार्केट में खोई हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कंपनियों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक होते हैं, सिर्फ आप चाहें तो उन्हें क्लिक करके अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी सोशल मीडिया के लिंक होती है, स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए, ताकि आपके और मेरे बीच की कनेक्टिविटी बनी रहे। ऊपर आई बटन में पास वीडियोस के लिंक होते हैं, उन्हें भी देखिए, ताकि मार्केट की साइकोलॉजी आप लोगों को समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।